गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं चैतन्य कन्हाई और मैं वृंदावन से हूं। एक नया चैनल है यूट्यूब पर, द इंस्पायरिंग लेजेंड। इन लोगों ने मुझे संपर्क किया और जानना चाहते थे कि मेरी जर्नी एक छोटे से गांव से लेकर बड़े तक शहर तक जाकर और अपना सपना साकार करने में कैसी रही। इसकी शुरुआत तो बचपन में हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं अपने अपने इंस्पायरिंग एक्टर्स को और फिर डायरेक्टर्स को देखता था। और किस्मत मेरी अच्छी है कि मैं एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ जो कि ऑलरेडी आर्टिस्टिक था, तो आर्ट मेरे आसपास हमेशा रही है और हमेशा से मुझे एक्टिंग, डांसिंग, प्रोडक्शन, फिल्में बनाना, नाचना, पेंटिंग करना, ये सबसे बड़ा ही दिलचस्प शौक रहा है। जब मैंने पहली बार ये फैसला किया था कि मैं फिल्में बनाऊंगा या मैं एक्टिंग करूंगा, मैं बहुत छोटा था। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया और मना किया कि ये हर एक के बस की बात नहीं है, सपने देखना बहुत आसान है पर पूरा करना बहुत मुश्किल। बट ये फैसला करने का हक सिर्फ मुझे था और मैंने उसी वक्त सोचा था कि जितनी मेरे बस में हो सकेगा उतनी तो मैं कोशिश करूँगा। मैं स्कूल में था, मैंने घर वालों से कहा कि मुझे बॉम्बे जाना है। सबने कहा तू बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाए, कॉलेज ख़त्म कर ले, पढ़ाई पूरी कर ले, फिर जो तेरा दिल करे वो करना। मैं कॉलेज भी बॉम्बे से करना चाहता था बट मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पहले आसपास रहकर उनकी पढ़ाई पूरी कर लूँ, तो मैंने MIT नोएडा से पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने जब बोला कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ तो उनको लगा कि भूत अभी तक इसका उतरा नहीं है और ये मानेगा नहीं, तो उन लोगों ने काफ़ी समझाया, रोका भी। बट सपने हैं ना, बड़े ज़िद्दी होते हैं, आपको तो रात में सोने नहीं देते और दिन में कोई और काम करने नहीं देते। तो जब उनको दिखा कि ये मानने वालों में से नहीं है, तब उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है। बस उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं बॉम्बे पहुँच गया। जब मैं बॉम्बे गया था, मैं किसी को जानता नहीं था। एक छोटे से गांव वृंदावन से निकलकर उस शहर में जाना, और आप जानते भी हो तो भी वहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि सब अपने अपने ही डंका बजाने में लगे। और कुछ गलत भी नहीं है, वो शहर सपनों का शहर है, बहुत मेहनत और लगन और शिद्दत मांगता है। अगर आप को हर पल आपका सपना जिंदा नहीं रख सकते तो आपको उस शहर में रहने का कोई हक भी नहीं। बट जब मैंने शुरुआत की तो मैं किसी को जानता नहीं था। एक्टिंग क्लास की, नुक्कड़ नाटक किए, थिएटर में असिस्ट किया, उसके बाद में मैंने एक फिल्म असिस्ट की थी क्योंकि कोई और काम था नहीं। एज एन एक्टर मैं हमेशा से फिल्म ही करना चाहता था, कभी टीवी के बारे में सोचा नहीं और कभी मेरे को टीवी ने कभी दिलचस्पी नज़र नहीं आई मेरी, तो हमेशा से जब मैं पिक्चरें करना चाहता था तो कोई रास्ता था नहीं। डायरेक्टर से मिलता था, सब टालते थे, हाँ करते हैं, मना कोई करता नहीं है, काम कोई देता नहीं है, तो आप उम्मीद में बैठे रहते हैं और आपका वक्त निकलता रहता है। जब समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए और पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैंने एक फिल्म असिस्ट की थी, हेमा मालिनी प्रोडक्शन की थी, टेल मी ओ खुदा। उन्होंने मुझे सबसे लास्ट ED रखा था, तो मैंने उस फिल्म को असिस्ट किया, सीखा। फिर मेरा एक दोस्त बना था डांस क्लास में, फिरोज़ करके, जो कि उस वक्त रेमो डिसूजा को असिस्ट करते थे, और उनकी एक फिल्म आई थी ABCD, तो उसमें भी मैंने अप्रेंटिस काम किया था सीखने के लिए। उन्होंने ही मुझे रेमो सर से मिलवाया था, जिन्होंने मुझे बाद में रजिस्ट्री में भी काम किया। बट ये दो फिल्मों के बाद में फिर छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत ही हार्डशिप से भरा था ये टाइम, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं होता और आपको पता नहीं होता कि आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो आप हर दिन यही फैसला करते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे घर वाले सही थे, क्या मेरा सपना पूरा होगा। और सपना पूरा होने के बावजूद भी उस सपने पर रोज़ काम करना, वो एक सबसे बड़ी फाइट होती है।
मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला था 2016 में बॉम्बे जाने के कुछ 7-8 साल बाद। उन 7-8 सालों में मैंने सिर्फ सीखा ही सीखा था, एज एन एक्टर कुछ नुक्कड़ नाटक कर लिए, लोगों को असिस्ट कर लिया, शॉर्ट फिल्म्स कर ली, बट नथिंग एज सच बिग जो मैं हमेशा से करना चाहता था। फिर उसके बाद में मैं बहुत ही डिप्रेस था लाइफ से, क्योंकि जब एक छोटा सा लड़का एक छोटे से शहर से निकल के बॉम्बे जैसे शहर में जाता है, बहुत बड़े बड़े सपने लेके जाता है और सबको हीरो बनना होता है। इसमें कोई गलत भी नहीं है, हर इंसान हीरो ही पैदा होता है मेरी नज़र में, बट वो कितनी शिद्दत और हक से मानता है उसे, सारी बात वो होती है। डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स ने वादे किए, मूवी साइन हुई, बंद हुई, चलता रहा काम, बट कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ। एक दिन मैं ध्यान लगा के कुछ अपने आत्मा से बात कर रहा था और करते करते मैंने फैसला किया था कि अगर इस साल मुझे कुछ काम नहीं मिला तो शायद मैं ये काम छोड़ दूंगा। मेरे एक दोस्त का फोन आया मेरे पास कि भाई मैंने सुना है ये प्रोड्यूसर है और ये पिक्चर बनाना चाहता है, अगर हो सके तो बात कर ले। मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया, प्रोड्यूसर ने कहा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, आप हमारे डायरेक्टर से मिल लो। जब मैं डायरेक्टर के पास गया तो उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया, बोला कि कल ऑडिशन पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने ऑडिशन दिया अगले दिन जाके और मेरे डायरेक्टर ने बोला कि ये फिल्म तू ही कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑडिशन बहुत टाइम से दे रहा था और वादे बहुत सालों से, लोग नए नए लोग जो मिलते थे सब यही बातें बोलते थे कि तू ही कर रहा है, तू ही फाइनल है, यू आर द बेस्ट, काम बहुत अच्छा है, बट कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। तो मेरे को यकीन था भी और नहीं भी कि होगा या नहीं होगा। मैं घर आया, स्क्रिप्ट लेके पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहा था कि 3-4 दिन बाद मेरे प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो कहते हैं कि आपको इस रोल के लिए कुछ इतने रुपए देने होंगे। अब मैं काम मांगने गया था और मुझे पैसे देने पड़े, ये जायज नहीं लगा मुझे। मैंने मेरे डायरेक्टर को फोन किया, डायरेक्टर को मैंने बताया कि सर आपने कहा था कि तू ही फिल्म कर रहा है और अब ये मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया है। मेरे डायरेक्टर को शायद मैं बहुत पसंद आया या मेरा काम, मैं कह नहीं सकता, बट उसने मुझसे कहा कि ये फिल्म तू ही करेगा, नहीं तो मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर से बात कर लूंगा, तू तैयारी शुरू कर। उसका इतना यकीन और विश्वास देख करना मुझमें, मेरा विश्वास मुझमें खुद डबल हो गया और दिस इज हाउ I got my first film। उससे पहले का 6 साल का सफर बड़ा ही depressing था, क्योंकि जब काम नहीं होता और खर्चे निकालने पड़ते हैं और घर वालों से आप मांग नहीं सकते, आपको शर्मिंदगी भी महसूस होती है। पर एक चीज थी जो मुझे हमेशा जिंदा रखती थी, वो था मेरा खुद में विश्वास और मेरा मेरे काम में विश्वास। मुझे हमेशा से पता था कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हूँ और उसके लिए मुझे कभी किसी भी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, ना आज पड़ती है। मेरी आत्मा मेरे काम को देख के अगर खुश होती है तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम आता है, और अगर नहीं होती तो मैं उस काम को सुधारने की जब तक कोशिश करता हूँ जब तक कि मुझे मजा ना आए। और जब मेरा मानना है कि मुझे अच्छा लगता है तो ही दुनिया को अच्छा लगेगा, अगर मैं ही उससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी पब्लिक और ऑडियंस भी उससे कनेक्ट नहीं कर सकती। सो इन उन 6-7 सालों में मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैंने बहुत ही गुणी लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट रखे, जिनके साथ मैं उठा बैठा, जिनके साथ मैंने रह के सीखा। मैंने उर्दू उनसे सीखी थी जिन्होंने सुहा अली खान और सैफ अली खान को सिखाई थी, जो कि अब नहीं रहे। मैंने डांस सीखा जिन्होंने ऋतिक रोशन को डांस सिखाया था। मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ, पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। मैंने जो भी मुझसे हो सकता था मैंने वो सब सीखा, क्योंकि अगर कुछ मेरे पास काम नहीं था करने को तो मैंने सोचा कि जब तक कुछ
पोटेंशियल हो नहीं रहा है जब तक मैं जितना नॉलेज और जितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ और जिस तरह मैं अपने आप पर काम करके अपने आप को निखार सकता हूँ, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और एक वही जज्बे ने मुझे हमेशा जिंदा रखा और उस शहर में रखा कि मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल मेरा टाइम आएगा। बट आप फिल्म कर भी लो पर फिल्म आपकी जब तक हिट ना हो या जब तक के किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की ना हो, आपको अचानक से सडनली रातों रात फेम नहीं मिलता, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल इंडस्ट्री, बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है और ऊपर से बहुत पैसा लगता है। अनजान लोगों पर करोड़ों रुपया लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, तो पूरी तरह वो लोग भी गलत नहीं है। बट ये है कि अगर आप में पोटेंशियल है और आप में खुद में आत्मविश्वास है और वो झलकता है आपके काम में, अगर आपके काम में वो झलकता है तो मुझे लगता है आपका काम देख कर ही आपको काम मिलता है, क्योंकि आज तक मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मैंने पहली फिल्म की थी, उसके बाद में मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया है। मेरे रेमो सर, जिनको मैंने असिस्ट किया था, उन्होंने जब मेरी वो पंजाबी फिल्म देखी हार्डकोर, देखने के बाद में सर ने मुझे रेस 3 में एक कैमियो दिया था छोटा सा। उनको लगा था कि रेस 3 वॉज अ वेरी बिग फिल्म, सलमान खान और अनिल कपूर, रेमो डिसूजा टिप्स की फिल्म थी, और मेरे लिए उसमें एक छोटा सा किरदार भी पाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे उस किरदार से लेना देना नहीं था, मुझे मेरे काम से था। मुझे लगा कि मैं अपना काम कहीं भी किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखा सकूं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में वहीं से मुझे मेरी तीसरी फिल्म मिली, वर्जिन भानुप्रिया, जो कि उस डायरेक्टर ने मुझे अभी नेक्स्ट फिल्म के लिए भी साइन किया है। बट इन मैं आप लोगों से कुछ इतना कह सकता हूं कि कोई भी सपना हो आपका या कुछ भी आप करना चाहते हो जिंदगी में, अगर उस पर पूरा यकीन हो और कहीं भी कोई ऐसा खुद पर शक ना हो, देखो शक तो जिंदगी में आता है जब आप ऊंचे और नीचे दौर से गुजरते हो, तो आदमी टूटता भी है पर जो खुद को टूटने के बाद जोड़ ले उसी को हम लोग उसी की इज्जत करते हैं और उन्हीं के हम उन्हीं के नाम को याद रखते हैं। तो आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ बिलीफ, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो दोस्त हों, करीबी से करीब हों, करीबी हों, आपका आत्मविश्वास तोड़ने का हक किसी को भी नहीं। अगर आप खुद पर यकीन रखते हो तो मेरा यकीन है कि आप जो करना चाहते हो वो बिल्कुल होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, होना ही पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट नथिंग एल्स वर्क्स बेटर देन द सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन और खुद के काम को हर दिन निखारने की जो भूख होती है वही भूख आपको जिंदगी भर रोज आगे लेके जाती है। आई होप आप लोगों को मैं एक उम्मीद दे सकूं, या फिर मैं वैसे भी वृंदावन मथुरा में हमारे ब्रिज में एक प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं पहला भी एक म्यूजिक वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले ने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, तो बहुत जल्दी मैं यहाँ से एक फिल्म भी बनाऊंगा। बट जब तक मैं यहाँ पर अपने यहाँ के लोगों को लेकर एक म्यूजिक वीडियो और कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा सपना था कि मैं पिक्चरें बनाऊँ, आज यहाँ बना रहा हूँ, कल अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाऊंगा। मैं कभी गिव अप नहीं करता, मुझे एक बात पता है जिंदगी में कि मुझे तोड़ने और बनाने का हक सिर्फ मुझे। अगर मैं ये सब मोमेंटरी लगता है मुझे, जैसे कि किसी ने तारीफ कर दी खुश हो जाना, किसी ने बुराई कर दी दुखी हो जाना, ये तब होता है जब आपका आप पर विश्वास ना हो, जब आपको पता होता है आपके काम में कितना दम है या आपने काम कितना खराब किया है, तो ना तो आपको लोगों की तारीफें और ना ही गालियां, दोनों ही असर नहीं करेगा। और आई थिंक मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें असर नहीं करेंगी, क्योंकि मैं अब आप जो अपना काम करता हूँ वो अब आत्म सुखाई के लिए करता हूँ, या तो
किसी डायरेक्टर, मैं एज एन एक्टर परफॉर्म करता हूँ, सो इट्स अबाउट अ डायरेक्टर्स जॉब. हम लोग बैठ के कैरेक्टर डेवलप करते हैं और उसके अंदर घुस के आई लेट माई बॉडी फ्लो. मैं उससे पहले जो मेरा होमवर्क है मैं उतनी डिटेलिंग में करता हूँ कि जब मैं सेट पर हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो कैरेक्टर अपने आप कर रहा. जब तक मैं वो कैरेक्टर नहीं बना लेता अपने दिमाग में विजुअलाइज करके, मैं सेट पर नहीं जाता. सो आई रियली वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स आई डू, इवन इफ आई पेंट, इवन इफ आई राइट, और इवन इफ आई एम गोइंग टू डायरेक्ट. फॉर मी एवरीथिंग हैज़ टू बी डन ऑन पेपर्स बिफोर आई स्टार्ट माई वर्क. और इतनी ही डिटेलिंग मुझे लगता है ज़रूरी होती है जब आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हो या आपने किसी और काम को प्लान कर रहे होते. एंड आई रियली विश यू ऑल द लव एंड लक कि आपके सपने, आपके सपने, आपकी इच्छाएं सब पूरी हों. और उसको करने के लिए याद रखिएगा सिर्फ आप ही और आप सक्षम हैं और कोई नहीं. आई रियली विश यू ऑल द लक एंड स्ट्रेंथ दैट कि आप सबके सपने साकार हों. और अपने सपनों पर कभी यकीन मत हटाइएगा क्योंकि आपका यकीन ही आपके सपनों को पूरा करेगा और किसी का नहीं. हैव फेथ इन योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, मैं अंकित वर्मा. हेलो गाइस, मैं उदय प्रताप सिंह. तो आज हम वृंदावन के बहुत ही मशहूर कलाकार, जो उभरते कलाकार है, आज उन्होंने आपको मोटिवेट किया, तो मिलते हैं सर से. हेलो एवरीवन, मैं हूँ चैतन्य कनाई, नमस्कार. और ये दो छोटे छोटे हमारे भाइयों ने, उभरते कलाकारों ने एक बहुत ही कमाल का चैनल शुरू किया है, द इंस्पायरिंग लेजेंड्स. आई होप ये पेज आपको वैसे ही इंस्पायर करे जैसे ये दोनों मुझे इंस्पायर करते हैं. बट एनीवे, आई होप आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के व्यूज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इन लोगों के पेज पर. थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज कॉमेंट. थैंक यू.